मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी जो है सियासत दिन ब दिन गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का सेकेंड ड्राई रन जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले आरजेडी के विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वैक्सीन पर पीएम मोदी पर चुटकी ले ली है, यानी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि वो टीका तो लगवाएंगे, कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका लगवा लें, तभी जाकर वो फिर टीका लगवाएंगे। आपको अभी एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो में आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव कोरोना वैक्सीन को लेकर। और वैक्सीन का भी अब सरकार से परमिट मिल चुका है, क्या कहना है वैक्सीन का, क्या पहले टीका लगवाएंगे वैक्सीन का भी? देखिए वैक्सीन जो आया है तो मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत नहीं? वैक्सीन को लेकर आप कोई बात तो सुना आपने, आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव का कहना है कि पहले टीका जो है कोरोना वैक्सीन का वो लगवाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब जाकर फिर वो लगवाएंगे। अब दिन ब दिन जो है कोरोना वैक्सीन पर भी जो है सियासत गरमाती जा रही है। पूर्व में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये वो नहीं लगवाएंगे, लेकिन अब इसी कड़ी में फिर से विपक्ष के तेज प्रताप यादव ने सरकार को कोरोना वैक्सीन को लेकर घेरते हुए कह दिया है कि पहले पीएम मोदी लगवा ले कोरोना वैक्सीन, फिर हम लगवाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़, धन्यवाद।